यहाँ कैद में हम तीन लड़कियाँ हैं, एक मैं, नाजनीन, नाजनीन सिद्दीकी, उम्र 24 साल। और ये है रश्मि, रश्मि जाधव, उम्र 18 साल। यह हीना, हीना खान, उम्र 16 साल। हमें नहीं मालूम हमें यहाँ क्यों रखा गया है, ना ही हमें ये पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि एक औरत को हमारे बारे में मालूम है, वो और सिर्फ वो जानती है कि हम इस कैद में हैं। और वो औरत है मेरी अम्मी की सगी बहन, मेरी खाला तबस्सुम कुरैशी। लेकिन खाला की जुबान पे ताला है, मजाल है एक लफ्ज निकले। तबस्सुम, एक बार तो बात करा दे मेरी नाजनीन से, कैसी है वो? ये मेरी अम्मी है, जाहिदा सिद्दीकी, जिससे मेरी खाला अब झूठ बोलेगी। फोन आया था उसका, बोली सब खैरियत है। एक बार उससे बात हो जाए तो सुकून मिले। काम में बिजी रहती है, अगली बार फोन करेगी तो बात करवा दूंगी। ठीक है? ठीक। अम्मी नहीं जानती कि मेरा फोन छीन लिया गया है और मेरी आजादी भी। यकीन ही नहीं होता कि पिछले हफ्ते मैं यहाँ आने के लिए तितली की तरह तिलमिला रही थी और आज इस पिंजरे से निकलने के लिए एक पंछी की तरह फड़फड़ा रही हूँ। जिंदगी जब काल कोठरी हो तो ये जरूरी नहीं कि हर खिड़की रोशनी की तरफ खुलेगी। गरीबी के इस अंधेरे रेगिस्तान में अक्सर मौकों के सराब नजर आते हैं, पर इस मृग तृष्णा में, इस मिराज में उन मौकों के मुखौटे नजर नहीं आते। बेबस और अक्सर गरीब इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि वो रोशनी दरअसल साया है, जुर्म का साया। 7 दिन पहले 24 वर्षीय नाजनीन को भी मौके की एक सीढ़ी दिखी, पर उस सीढ़ी की मंजिल खुला आसमान तो नहीं था। 15,000? आपने गलत सुना होगा खाला, उम्र हो रही है आपकी। इतनी भी उम्र नहीं हुई है मेरी, 15,000 ही कहा था उसने। मोबाइल नंबर लिया? अरे बड़े लोगों से मोबाइल नंबर थोड़ी ना मांगते हैं। उन्होंने कहा कोई नजर में हो तो परसों उसे उसी जगह ले आओ, तो ये कल की बात थी। तो अगर तुझे काम करना है तो कल उनसे मिलवा दूंगी। हाँ, लेकिन आप उनसे कैसे मिली? मैं नहीं मिली, तकदीर ने मिलाया उनसे। मैं तो कांदिवली बस स्टॉप में खड़ी थी, वो सामने से आवाज दी, अरे वो पैसे नहीं बढ़ाएगी, और तू तो जानती है ना मीरा रोड से रोज आना जाना कितना महंगा पड़ता है। मैं नहीं करेगी, रखती हूँ मैं। काम की तलाश है तुम्हें? जी आप कौन? मेरा नाम शालिनी ठाकुर है, फोन पर बात करते हुए सुना आपको। अभी घर पे काम करती हूँ। जी फिर तो किस्मत ने मिलवा दिया हमें। मैं प्लेसमेंट एजेंसी चलाती हूँ। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिन्हें काम करने वाले लोगों की तलाश होती है, वो लोग इकट्ठा करके देती हैं। फिलहाल एक खाना बनाने वाली कंपनी है, उन्हें कुछ लोगों की तलाश है, नहीं गुजरात अहमदाबाद में। अरे बाप रे, इतनी दूर? फिर तो मुझे माफ़ करिए, मैं इतनी दूर नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई औरतें हों आपकी नज़र में जो 16 साल से ज़्यादा हों, जिनकी शादी ना हुई हो और 35 साल से कम, तो मुझे बता दें। तनख्वाह कितनी होगी? शुरुआत में 15,000 मिलेगी, 15,000 महीना, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ जाएगी। 15,000 महीना?
हाँ, और रहने और खाने का खर्चा भी अलग से मिलेगा। महीने में 5 दिन की छुट्टी मिलेगी घर आने के लिए, और आने जाने का खर्चा भी कंपनी देगी। अगर तुम्हारी नज़र में ऐसी कोई लड़कियाँ होंगी जिन्हें ज़रूरत है काम की, तो मैं परसों यहीं पर मिलूँगी, यहीं भेज देना उनको। जी। अरे वाह, ये तो मतलब सुनहरा मौका है। महीने में 15,000, ऊपर से रहने खाने का अलग, और महीने में 5 दिन की छुट्टी भी, और ट्रेन का टिकट भी आने जाने का फ्री। और क्या चाहिए? उन्हें चाहिए तेरी जैसी जवान मेहनती लड़कियाँ। और तू हाँ बोलेगी ना तो मेरा भी कुछ फायदा है। कैसे? मुझे 10% कमीशन मिलेगी, तेरे पगार से नहीं अलग से। जितनी लड़कियाँ भेजो हर एक लड़की पर 10% कमीशन। अच्छा है ना, आपको कमीशन मिलेगा तो पैसे तो घर पे ही आए। वही तो। और मेरे हाथ में भी 15,000 आएंगे महीने के। अम्मी जान का बढ़िया से इलाज हो जाएगा। अब वो की तरह नहीं तड़प तड़प करके वो। अब तो अच्छी अच्छी बातें कर। अब तो ये सोच अम्मी जान को कैसे मनाएगी, वो तुझे इतनी दूर जाने ही नहीं देगी। नहीं खाला, फिलहाल अम्मी को कुछ नहीं बताएंगे। पहले वो कल वो शालिनी ठाकुर, उनसे पहले मिल लेते हैं। कहाँ रह गई शालिनी मैडम? अल्लाह जाने, बोली तो थी यही मिलेगी। अरे वो आ गई। मैडम जी, जी मैं तबस्सुम, परसों मिली थी आपसे यहीं पे। ये नाज़नीन है, मेरी बहन की बेटी, ये काम करना चाहती है। बहुत मेहनत का काम होगा, कर लोगी? अरे हाँ हाँ मैडम जी, मैं 4-4 घरों में काम करती हूँ, किसी से भी पूछ लीजिए, एकदम टाइम पे और साफ सुथरा काम है मेरा, और खाना भी अच्छा ही बना लेती हूँ। तो ठीक है, तुम्हारा एक फोटो लगेगा और 9 तारीख को निकलोगी तुम यहाँ से। कैसे जाऊँगी मैडम? मैं तुम्हें मुंबई से अहमदाबाद तक का ट्रेन का टिकट दूंगी, और वहाँ पे कैटरिंग कंपनी के जो मैनेजर हैं वो तुम्हें रेलवे स्टेशन पर लेने आ जाएंगे। कंपनी का नाम क्या है? ऋषिगण केटरर्स। कम से कम 100 ऑफिसेज में खाना जाता है उनका। हम शाम तक सोच कर बताए तो चलेगा? इसमें सोच कर बताने वाली क्या बात, ऐसे मौके रोज़ रोज़ तो क्या ज़िंदगी में एक बार भी नहीं मिलते हैं। किस्मत की खिड़की खुली है तुम लोग के लिए। जी जी मैडम जी, मैं आऊँगी। कब आना है? अपनी फ़ोटो लेके तुम मुझे कल यहाँ इसी वक्त मिल जाना, मैं तुम्हें परसों की टिकट दे दूँगी। मैडम मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं कल फोन। अपना मोबाइल नंबर मैं किसी को नहीं देती। अपनी फ़ोटो याद से ले आना, और हाँ फोटो थोड़ी ढंग की होनी चाहिए। मौके की खिड़की सामने से खुली थी, नौकरी शहर के बाहर थी, नौकरी पक्की करने वाली औरत ने अपना फोन नंबर नहीं दिया और ना ही नाज़नीन को सोचने का टाइम दिया। शक करने के एक नहीं बल्कि 3-3 कारण थे, लेकिन मौके ने बड़ा ही आकर्षक मुखौटा पहना था, खतरे का हर कतरा छुपाया गया था। सामने लटकाया गया 15,000 महीने का गाजर और एक फ्री टिकट का लालच दिया गया। नाज़नीन की आंखों में यह टिकट मुंबई से गुजरात तक का नहीं था, बल्कि गरीबी से छुटकारा पाने का टिकट था। गरीबी की बीमारी नाज़नीन के अब्बू को निगल चुकी थी और वो किसी भी कीमत पर अपनी अम्मी ज़ाहिदा को बचाना चाहती थी, पर ये कीमत कुछ ज्यादा ही कीमती पड़ी। नहीं, बहुत दूर है, मैं तुझे वहां नहीं भेज सकती। लेकिन अम्मी तनख्वाह भी तो बढ़िया है ना, मैं फिर से काम पर लग जाऊंगी। अरे महीने में 4 दिन अस्पताल जाना पड़ता है तुम्हें, भूल जाओ ज़ाहिदा। अम्मी हम तीनों ही तो हैं एक दूसरे के लिए, मैं वहाँ पे जाऊंगी, काम करूंगी, यहाँ पे पैसे भेजूंगी, फिर आपका अच्छे से इलाज भी हो जाएगा। अबू के साथ जो भी हुआ वो मैं अपने जीते जी आपके साथ नहीं होने दे सकती अम्मी। बात तो सही कह रही है ना अम्मी। हाँ कह दो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते अम्मी, जिंदगी सवर जाएगी, हाँ कह दो। मुझे पता है नाज़नीन को मेरी फिक्र है, अगर मुझे कुछ भी हो जाएगा जैसे राशिद के साथ हुआ था तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। पर खुदा ना खास्ता घर से इतनी दूर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो। मैं जानती हूँ कि अम्मी को मेरी फिक्र है, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। जब मैं अच्छे पैसे कमाकर घर भेजूंगी, उनका इलाज होगा, हमारी जिंदगी बेहतर होगी, तब अम्मी मुझे माफ कर देंगी।
तबस्सुम, ये लड़की तो मान ही नहीं रही है, जिद कर रही है। अल्लाह मियाँ को याद करो और जाने दो उसे, सब सही होगा। ज़ायदा, मैं उसे अकेले नहीं जाने दूंगी, कम से कम तू तो जा उसके साथ। अच्छा ठीक है, मैं उसे छोड़ाऊंगी। वैसे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ जाने की, बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं दोनों की टिकट करवा दूंगी, लेकिन तुम्हारी टिकट के पैसे तुम्हारी कमीशन में से कटेंगे, सिर्फ नाज़िम की टिकट फ्री होगी। चलेगा, तो मैं कल तुम दोनों की टिकट यहाँ पर इसी वक्त तुम लोग को दे दूंगी और अहमदाबाद में कंपनी का आदमी तुम लोग को ढूंढ लेगा। मैडम जी, अगर कोई 19-20 हो गया और वो कंपनी का आदमी हमें नहीं ढूंढ लेगा, उनका अगर मोबाइल नंबर मिल जाता तो? तुम अब हमारी जिम्मेदारी, तुम्हारी हिफाजत करना, ख्याल रखना, ये हमारा काम है, तुम फिक्र मत करो। जी मैडम जी। तुम दोनों का नाम, सीट नंबर, बोगी नंबर सब कुछ उन लोगों को दे दिया जाएगा, तो 19-20 होने का सवाल ही नहीं उठता। दीदी, तबस्सुम है। कौन है तू? मैं यास्मीन हूँ। दीदी, तबस्सुम से 2 मिनट बात करा दोगे? तू रुक यहीं, बुलाती हूँ। क्या हुआ रे यास्मीन? अरे मैंने सुना तू नाज़रीन के साथ अहमदाबाद जा रही है, वो खाना पकाने वाली कंपनी में नाज़रीन की नौकरी पक्की हो गई है। हाँ, तेरे को कैसे पता? वो शहनाज बोली। और शहनाज को किसने बोली? अरे तू वो सब छोड़, मेरी बेटी हीना है ना, वो भी अहमदाबाद में ही है। कब से? पिछले 1 महीने से। रश्मि भी हिना के साथ ही है, रश्मि वो अपनी गायत्री की बेटी। तबस्सुम, तू सचमुच नाज़रीन के साथ जा रही है ना? या बात क्या है गायत्री, यास्मीन तुम दोनों इतनी हड़बड़ाए क्यों हो? जब से हिना गई है तब से उससे बात ही नहीं हो पाई है। और नहीं मेरे रश्मि से, अरे कोई खबर ही नहीं है। बेटा पहुंचते फोन करना। हाँ, कितनी बार वही वही बात अम्मी, बोला ना करेंगे। रश्मि, एक दूसरे के साथ रहना, अकेले कहीं मत जाना, एक दूसरे को संभाल लेना। हो आए टिकट संभाल टेवा। समय पे खाना खाना, अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, वहां पहुंचते ही दोनों की खबर लेती हूँ। हाँ? याद से। हाँ तबस्सुम। और हाँ, हो सके तो नाज़रीन को उन दोनों के साथ ही रखवा देना, नाज़रीन उनकी बड़ी बहन जैसी है और वो दोनों उसको मानती ही बहुत हैं। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक करके ही आएगी। अम्मी मैं निकल रही हूँ। हाँ अम्मी, अगर आप ऐसे ही रोएंगी तो मैं कैसे जा पाऊंगी? पहली बार घर से बाहर जा रही है, मुझसे दूर। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। तू भी अपना ख्याल रखना, फोन करते रहना। ट्रेन में बैठने के बाद तबस्सुम खाला ने मुझे हीना और रश्मि के बारे में बताया। यास्मीन आपा की हीना? पर वो तो बच्ची है ना, और रश्मि भी तो 1-2 साल ही बड़ी है उससे। गरीबी बचपन को बचपन कहाँ रहने देती है बेटा। चलो अच्छा है, हमारी एरिया की ही लड़की है, अच्छी लड़की है, अच्छी जमेगी। नाज़नीन के मोहल्ले की 2 टीनेजर लड़कियां 1 महीने पहले गुजरात में उसी कंपनी में काम करने के लिए भेजी गई थीं और उनकी कोई खबर नहीं थी, एक फोन कॉल तक नहीं किया था उन्होंने। और बड़े दुख की बात है कि ये बात ना नाज़नीन को खटकी और ना ही उसकी मौसी तबस्सुम को। नाज़नीन अब एक जाल में दाखिल हो गई थी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ने बिछाया था,
और बहुत जल्द इस सुनहरे मौके का मुखौटा गिरने वाला था और भयानक असलियत का चेहरा दिखने वाला था। वो रही सुनिए, तुम नाज़नीन हो ना जी, और आप तबस्सुम। मेरा नाम मोना है और यह है अरविंद। हम लोग ऋषिगंज कैटरर्स से हैं, आपको लेने आए हैं। आइए ना, आइए आइए। रुको मैं देखती हूँ। क्या हुआ तबस्सुम? तूने बच्चों से बात नहीं करवाई, खुद भी फोन नहीं किया। तू रश्मि और हिना को मिली? अरे कुछ तो बोलना, चुप क्यों है? अरे कुछ नहीं, वहां जाते ही काम में जुट गई ना, इसलिए। तबस्सुम मेरी बेटी कैसी है? ठीक है, ठीक है। रश्मि हिना दोनों ठीक है। नाज़नीन के साथ दोनों का रहने का इंतजाम कर दिया मैंने, बस फोन ही नहीं कर पाई। तो नाज़नीन का नंबर दे, मैं फोन करती हूँ उसे। नंबर दे। हाँ। नंबर? अरे जाते वक्त ट्रेन में हम दोनों के फोन चोरी हो गए। नाज़नीन दुकान से फोन करती है मेरे नए वाले नंबर पर। तबस्सुम खाला किस मुंह से क्या कहती, मजबूरी में झूठ पर झूठ बोली जा रही थी, पर कब तक, कब तक छुपाती सबसे कि अहमदाबाद में आखिर हुआ क्या था। मोना जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तो बताया गया था कि ऋषिगन कैटरिंग कंपनी का दफ्तर जो है शहर में ही है, कोई नवरंगपुरा के पास। बिल्कुल सही बताया गया आपको। एक्चुअली वहाँ हमारा मेन ऑफिस है, वहीं से बाकी ऑफिसेस में हमारा खाना जाता है। हाँ लेकिन नाज़नीन वहाँ काम नहीं करेगी। तो फिर? नाज़नीन तुम बाकी लड़कियों की तरह खाना बनाने के सेंटर में काम करोगी। वो जगह शहर से बाहर है, अब हम वहीं जा रहे हैं। नाज़नीन, तुम थक गई होगी ना? तुम जाके आराम करो, कल सुबह उठते ही तुम्हें काम पर जाना है ना। रश्मि हिना तुम दोनों अंदर जाओ, चलो। खाना कहाँ पे बनता है मोना जी? दिखाऊंगी ना, कल सब दिखाऊंगी। अभी तुम लोग अंदर जाओ और फ्रेश हो जाओ। आइए या।
आ जाओ। नाजनीन आज रात तुम लोग यहीं सो जाओ, कल सुबह उठते ही हमें काम की जगह पर जाना है। हिना और रश्मि भी हमारे साथ ही काम करेंगी, वो लोग भी कल आएंगे। हाँ वो लोग भी साथ आएंगे। चलो अब तुम लोग सो जाओ, मैं कल सुबह मिलती हूँ। नाजनीन ये लोग कुछ ठीक से बता नहीं रहे हैं, है ना? एक काम की जगह जैसे कोई राज है। क्या पता खाला, शायद कम ही बोलते होंगे। हीना कहाँ थी तू? पूरा दिन तुझे और रश्मि को ढूंढ रही थी मैं, और तुम्हारे दरवाजे में भी ताला लगा हुआ था। ए क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? आपने हमारे दरवाजे पर ताला देखा ना? हाँ लेकिन हम अंदर ही थी दीदी। क्यों बाहर से बंद क्यों करते हैं? ताकि हम भाग ना सके। भागोगी क्यों, ज्यादा खाना बनवाते हैं क्या? वो तो रो क्यों रही है? हम खाना बनाने का काम नहीं करती दीदी। तो फिर क्या काम करती हो? बेन, ये चलेगी मेरे को। उसका 1.5 लाख लगेगा। 1.5 लाख? 1.5 लाख बहुत ज्यादा है मोना बेन। क्या हितेश भाई, लगन करना है ना आपको, 1.5 भी हिसाब से बोला है भाई मैंने। लेकिन दीदी हम तो यहाँ खाना बनाने का काम करने आए थे ना। अरे लगन के बाद भी तो खाना ही तो बनाएगी ना, हा? और भी बहुत सारे काम करेगी। नहीं आप हमें घर भेजिए। एक छोरी मोना बेन, मैं क्या बोलता हूँ, कुछ कम करो ना यार, 1.5 लाख वाकई बहुत ज्यादा है। अरे हितेश भाई अब आप तो मेरे दिमाग का खोटी मत करो ना, फोटो भेजी थी ना आपको, अंदाजन भाव भी बताया था माल का, इतने इतने में माल पड़ेगा करके बोला था कि नहीं? अरे मर्द बनो ना हितेश भाई, 1.5 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी। और कोई मर्द है यहाँ पे क्या? अरे कैसे लोगों को उठा कर लेके आ रहे, अगली बार ऐसे मर्दों को लाना जो इनको खरीद सके, ऐसे फोकटियों को मत उठा के लेके आना अगली बार यहां पे। निकलो निकलो यहां से निकलो। हिना रश्मि तुम दोनों चिंता मत करो, हा? मैं बहुत जल्दी तुम दोनों का लगन कराऊंगी। हा? अपने कमरे में जाओ जाओ। यहाँ कोई कैटरिंग का काम नहीं होता दीदी, बस ये लोग हमारी शादियां कराना चाहते हैं। दीदी मुझे और रश्मि को यहाँ से बचा लो, ये लोग हमें कभी भी बेच सकते हैं। हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें घर जाना है, ये गंदे लोग हैं। दीदी मैं यहाँ पे चुपके से आई थी, अब मैं जा रही हूँ वरना ये लोग मुझे मारेंगे। लेकिन दीदी आप जल्दी से कुछ सोचो, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। खाला खाला उठी, खाला उठी, खाला क्या हुआ? खाला यहाँ पे कोई काम वाम नहीं होता, हिना आई थी यहाँ पे, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। Thank you.
तबस्सुम, अब तुझे बताना ही पड़ेगा कि माजरा क्या है। कैसा माजरा? 2 हफ्ते हो गए तुझे अहमदाबाद से लौटे, तू बोली जा रही है कि नाज़रीन से बात हो रही है, बात हो रही है। तू उसे हमारा नंबर तो नहीं दे रही है और ना ही हमसे बात करवा रही है। देख तबस्सुम, तुझे अल्लाह का वास्ता है, सच सच बता वहाँ हो क्या रहा है। कहाँ तो था, सब खैरियत है। तो फिर मेरी हिना से बात क्यों नहीं हो पा रही है? नाज़रीन अलग अलग पीसीओ से फोन करती है, मैं पूछती हूँ तुम दोनों के बेटियों के बारे में, तो बोलती है सब सलामत है। तू झूठ तो नहीं बोल रही है ना मुझसे? झूठ? कैसा झूठ? ये कैसे हो सकता है कि दोनों का फोन एक साथ ही चोरी हुआ है? अब ऐसा ही हुआ है ज़ाहिदा। ऊपर से नाज़रीन सिर्फ तुझे फोन करती है, क्या उसे अपनी अम्मी से बात नहीं करनी? और तू एक बार भी मेरी बात नहीं करवाती उससे। अब नाज़रीन ऐसे वक्त पर फोन करती है, कैसे बात कराऊं मैं तुम्हारी? काम का परेशान हो रही हो और बेकार में मुझ पर भी शक कर रही हो। तुम दोनों अपना फोन मुझे दो। क्यों? क्योंकि हम अपने किसी भी वर्कर्स को खुद के फोन यूज करने नहीं देते। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें दूसरे फोन देंगे कंपनी की तरफ से। लेकिन मैं तो कंपनी में नहीं हूँ ना, मैं तो इसे छोड़ने आई थी, वापस भी चली जाऊंगी। अभी दे दीजिए, जाते वक्त दे देंगे। दीजिए। अरे इसमें इतना क्या सोचना, दे दो ना। नहीं तबस्सुम, नहीं, तू पक्का मुझसे कुछ छुपा रही है, तुझे मेरी कसम बोल ना। जब से अहमदाबाद से आई है मुझसे आके नहीं मिला रही है तू। ऐसा कुछ भी नहीं है, खाना खाओ। कैसे खाओ? नाज़रीन की फिक्र मुझे खुरेद रही है, वहां जरूर कुछ हुआ है। और तू कह रहे है कि वहां सब ठीक है? ये सब तुम्हारी गलतफहमी है ज़ायदा। कब तक सच को छुपा कर रखूंगी, झूठ तो एक दिन पकड़ा ही जाएगा ना। तबस्सुम, आज हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। नाज़रीन तुझे किस नंबर से फोन करती है? तेरे मोबाइल में नंबर होगा ना? बता। तबस्सुम, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ, बता हमारी बेटियां किस हाल में है, उनके साथ क्या हो रहा है। नाज़रीन से मेरी एक बार भी बात नहीं हुई। क्या बोल क्या रही है तू? मेरा और नाज़रीन का फोन चोरी नहीं हुआ था, छीन लिया था उन लोगों ने। नाज़रीन रश्मि और हिना कभी किसी को फोन नहीं कर सकती है, वो तीनों किसी खाना बनाने वाली कंपनी में काम नहीं करती है। नाज़रीन को कहाँ छोड़ा है? क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? तबस्सुम बता। वो तीनों फंस गई है, बहुत बुरी तरह फंस गई है। पहले मुझे और नाज़रीन को कुछ पता ही नहीं चला, पर जब पता चला उनके घिनौनी चाल का तो हिना और रश्मि की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है, हिसाब भी यही होने वाला है। खाला, शुरुआत से ही मामला गड़बड़ था, शक करने के ढेर सारे कारण थे, पर हम दोनों तो पैसों की चमक में अंधे हो गए थे। तू वहां से निकली कैसे? चल चल। ए, कहां जा रहे हो तुम लोग? देखो हमें यहाँ काम नहीं करना है, जाने दो हमें। देखो आप लोग यहाँ से बाहर नहीं आ सकते, चलो अंदर। देखिए हमें धोखे से यहाँ पे लाया गया है, हमें बताया गया था कि खाना बनाने का काम है, लेकिन यहाँ पे तो आप रास्ता छोड़ दीजिए। कह दिया ना अंदर मतलब अंदर। क्या शोर आ रहा है सब? हाँ क्या हो रहा है? देखिए
आप हमें रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए, नाजनीन यहाँ काम नहीं करेगी। आप लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हीना और रश्मि को भी यहाँ पे जबरदस्ती रखा है, शादी वादी करा रहे हैं आप। कमरे से बाहर कैसे निकली है? पता नहीं मनु बहन, कौन किस कमरे से बाहर निकला पता नहीं चला। तुझे कितनी बार बोला ताला लगाए कर, ताला लगाए कर, क्यों नहीं सुनता है मेरे? सुन छोरी, अब तू यहां से कहीं नहीं जा सकती। वो सुना है ना वन वे, वैसी ये अंधी गली है। लेकिन हम अंधे नहीं है, हमने सब देख लिया है। और ना मुंबई में हमारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो वो यहां पहुंचाएंगे और आप सबके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ छोड़। नहीं, नहीं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे तेरे काम के पैसे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, लेकिन अगर तूने मुंह खोला या पुलिस के पास जाने की गलती भी की तो तीनों लड़कियां मिलेंगी जरूर, पर सर किसका और धड़ किसका पहचानना मुश्किल होगा। अरविंद डाल इसे गाड़ी में। इन लोगों से पूछ पूछ कर रेलवे स्टेशन पहुंची और फिर वहां से घर आई। और पिछले दो हफ्तों से तू मुझसे और इन दोनों से झूठ बोलती रही। क्योंकि मुझे उन तीनों की जान की फिक्र थी, वो तीनों पर आज ना है बस इसलिए मैं चुप थी। वो लोग खतरनाक लोग हैं जायद, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों ने बच्चियों को कहाँ रखा, मुझे कहाँ लेकर गए थे, और वो लोग कौन है मैं कुछ नहीं जानती। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मैं बस उन तीनों को बचाना चाहती थी। पुलिस के पास गए और खुदा ना करे उन लोगों को पता चल जाए तो बच्चियों को मार डालेंगे। पर हमें क्या पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। तबस्सुम ठीक कह रही है, कम से कम वो जिंदा तो है, जहां भी हो जैसे हो। हम शायद अपने बच्चियों से कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर पुलिस के पास गए ना तो उनके मौत के जिम्मेदार हम ही होंगे। पुलिस के पास जाना खतरा मोल लेना है। एक संगीन जुर्म को ये चार गरीब औरतें किस्मत का लेखा मान रही थी। उनकी बेटियां जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से ब्याई जा रही थी, पर इन औरतों को डर था कि कानून के दरवाजे पर दस्तक देना उन तीनों लड़कियों की कब्र पर दस्तक देने जैसा होगा। एक पूरा महीना गुजर गया इस डर में, इस तकदीर के साथ लाचार समझौते में, और फिर एक खबर आई। हेलो अम्मी। नाजनीन तू कैसी है बेटा, कहाँ है तू, जल्दी घर आ जा बेटा। मैं यही हूँ मुंबई में। तू मुंबई में? जल्दी घर आ जा बेटा, मुझे तो लगा था तुझे बिना देखे दम तोड़ दूंगी। मैं वो नाजनीन नहीं रही, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, मेरी हालत सहन नहीं कर पाऊंगी। अम्मी तेरी अम्मी हूँ मैं, सब बुलवा लूंगी, तू बस जल्दी से घर आ जा।
मैं नहीं आ सकती अम्मी, अब यही मेरा घर है, मैं जा भी जाऊंगी वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे, मेरे साथ और भी बुरा करेंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अम्मी मैं रोज दुआ में आपको याद करके आपका चेहरा देखती हूँ, लेकिन मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, किसी को नहीं दिखा सकती। नाज़रीन, नाज़रीन, नाज़रीन। मेरी हीना या रश्मि के बारे में कुछ तो बोली होगी, कुछ ठीक से नहीं बोली, बस रोए जा रही थी। अरे कुछ तो बोली होगी ना, बोली उन लोगों ने उसके साथ। अरे देवा, मुझे मुझे वो नंबर दो जहां से उसने फोन किया था, मैं उसे फोन करती हूँ और पता लगाती हूँ, मुझे नंबर दो। पता लगाया मैंने, वो विरार के किसी पब्लिक फोन से फोन कर रही थी। फोन पर बहुत मायूस लग रही थी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। चार दिन चार रातें ये चार औरतें इंतजार करती रहीं कि शायद शायद नाज़नीन दोबारा फोन करेगी। यास्मीन और गायत्री अपनी बेटियां हिना और रश्मि के बारे में खबर के लिए तरस गई थीं और ज़ाहिदा और तबस्सुम बस नाज़नीन के घर लौटने की आस लगाए बैठी थी। हेलो अम्मी, मैं नाज़नीन। नाज़नीन बेटा तू घर क्यों नहीं आ रही है, घर आ जा। नाज़नीन बेटा मैं हिना की अम्मी बोल रही हूँ, तुझे अल्लाह की कसम है, सच सच बता मेरी बेटी हिना और रश्मि कहाँ है, वो किस हाल में है, खुदा के लिए ऐसे चुप मत रह, तू सच सच बता तुम लोग कहाँ पर हो, हम लोग यहाँ तुम्हारे बिना मरे जा रहे हैं। नाज़रीन बेटा कुछ तो बोल, तेरे अलावा यहाँ कोई कुछ नहीं बता सकता, बेटा कुछ तो बोल। नाज़रीन नाज़रीन मैं घर वापस जाना नहीं चाहती, मैं उन्हें नहीं बताना चाहती कि हम तीनों के साथ हकीकत में क्या क्या हुआ। हीना और रश्मि मेरी छोटी बहनों की तरह है, मैं उनकी अम्मियों को किस सुबह से बयां करूं कि उन दोनों पर किस तरह का कहर टूटा है। Thank you.
घर गई तो हिना और रश्मि की सच्चाई बतानी पड़ेगी, और फिर ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ना मुझे, ना अम्मी को, ना किसी को। लेकिन हिना और रश्मि को एक ही इंसान बचा सकता है, और वो मैं हूँ। नाज़नीन बेटा कुछ तो बोल, कहाँ है हिना और रश्मि? मुझे नहीं मालूम खाला, तू तो उनके साथ थी ना? सिर्फ थोड़ी देर के लिए। कहाँ ले गए? सच में नहीं जानती। जहाँ तुम्हें रखा उस जगह का नाम तो पता होगा ना? मैं नहीं जानती। लेकिन तू तो वहां से भागे थे ना, कैसे भागे थे? चले ले ये कपड़े पहन और तैयार होके बाहर आ। हर रात वो घर को अंदर से ताला लगा देता था और दिन में बाहर से। घर से बाहर कदम रखना मना था, कुछ बोलना मना था, कुछ सोचना भी मना था। पिंजरा तोड़कर उठ जाने का ख्याल रोज आता, पर समझ नहीं पाती कैसे होगा। और फिर एक दिन, सुनिए, बहुत मारता है? नहीं, लेकिन दिन रात वो मेरे साथ। मुश्किल है, लेकिन बिना उसे पता चले कैसे भाग पाओगी? और जाओगी कहाँ? मुंबई जाऊंगी, मैं मुंबई से हूँ, मेरी अम्मी और खाला दोनों वहाँ पे ही हैं। वैसे क्या बोल के लाए थे तुझे? बोला था कि यहाँ पे खाना बनाने का कंपनी है, उसमें मुझे काम करना है, लेकिन मुझे धोखे से लाया गया है। इस गाँव की लगभग सभी औरतें धोखे से ही लाई गई है, फिर ब्याह ही जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस गांव की अपनी खुद की औरतें नहीं है ना, इसीलिए बाहर से खरीद कर लाई जाती हैं। मेरा पति भी मुझे खरीद कर ही लाया था। लेकिन आप भाग क्यों नहीं जाती? आप तो आजाद हो ना? गलती से भी मत सोचना, वरना बहुत पिटोगी। जितनी जल्दी अपने नसीब को कबूल कर लो उतना ही अच्छा है। समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या कर सकती हूं, कैसे भाग जाऊं इस नर्क से। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने अपने हालात के साथ समझौता कर लिया था, और मेरे समझौते ने मेरे लिए आजादी की खिड़की खोली। मैंने अपने डर और दर्द के दो घूंट पी लिए, और मेरा आजाद होने का नशा भी उतर गया, और उसने भी मेरी गले का फंदा थोड़ा ढीला कर दिया।
खाली पेट घर से नहीं निकलते। ले लीजिए पोहा। पहले उसे अजीब लगता था कि अब मैं इन सबसे खुश हूं, फिर उसने भी कबूल कर लिया कि मैंने उसे कबूल कर लिया है। मेरा फंदा और ढीला होता गया, उसके जहन में मेरे भाग जाने का डर कम होता गया और मैंने धीरे धीरे उसके जेब से थोड़े थोड़े पैसे निकालना शुरू कर दिया। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ रुपए निकालती, तब तक निकालती रही जब तक मेरे पास मुंबई आने के लिए पैसे काफी ना हो। उस रात मैंने उसे और पीने के लिए उकसाया। नाज़नीन, मुझे तेरे प्यार का नशा हो गया है। लेकिन सच कहूं, मुझे तुझसे प्यार हो गया है। ले, मेरे साथ एक पैक तू भी पी। जी नहीं, मुझे पसंद नहीं है। तूने कभी पी है क्या? नहीं। ले, एक घूंट। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरी कसम। मैं इंतजार कर रही थी कि वो कब पूरी तरह से बेहोश हो जाए। क्या बात है नाज़नीन, आज कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तू पिलाया जा रही है, मैं पिए जा रहा हूं, ये माजरा क्या है? मैं वहाँ से अहमदाबाद स्टेशन कैसे पहुँची और फिर मुंबई, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि उस आदमी ने मुझे बार बार हर तरीके से गंदा किया। बस, दोबारा कभी मत बोलना कि उसने तुझे गंदा किया। अरे गंदा तो वो है, उसका सोच है, उसकी नीयत है। तू तो मेरी बहादुर बच्ची है। मुश्किल मैं थी जो इतने दिन चुपचाप घर में बैठी रही। बेवकूफ तो मैं थी जो उस साले ने की साजिश को समझ ही नहीं पाई। बस एक बार बता दे मेरी रश्मि कहाँ है बेटा, बता दे हिना कहाँ है। अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों नहीं बताती? पता नहीं मेरी हिना को किसके गले बांध दिया गया होगा। अबे तो वो छोटी सी है,
उसमें तो हिम्मत भी नहीं है ना ही मेरी रश्मि अच्छे से बात दूर है। बहुत हो गया डरना और रोना, अब तो हमें सीधे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। इतने दिनों से चुप रहकर क्या मिला हमें? अम्मी बिल्कुल सही कह रही है, वो जो औरत है ना शालिनी, वो शैतान है। पता नहीं कितनी लड़कियों को भेजा होगा वहां पे और कितनी लड़कियों को भेजने वाली होगी। वो गांव में जो औरत मिली थी ना, वो कह रही थी कि लगभग सभी औरतें वहां पे खरीदी हुई है धोखे से, और उनकी शादी भी करा दी गई है, वो भी जबरदस्ती। यास्मीन गायत्री एक बात बताओ, शालिनी से तुम लोग कैसे मिले? फरीदा है ना मेरे साथ घर काम करने वाली, उसने मुझे बताया और मैंने गायत्री को। नाज़नीन ने पूरी हिम्मत से खतरे को आड़े हाथों लिया और अपने आप को आजाद करा लिया। नाज़नीन की हिम्मत देखकर उसकी माँ ज़ाहिदा, मौसी तबस्सुम, हिना की माँ यास्मीन और रश्मि की माँ गायत्री, इन सब में भी हिम्मत आ गई और इन सब ने तय कर लिया कि वो 16 वर्षीय हिना और 18 वर्षीय रश्मि को रिहा करा के ही रहेंगी। आखिरकार उन्होंने वो कदम उठाया जो उन्हें कई हफ्ते पहले उठाना चाहिए था, उन्होंने कानून के दरवाजे पर दस्तक दी। ये फरीदा कौन है साहब? वो भी हमारी तरह घर काम करने वाली बाई है। रहती कहाँ है? वो भी मीरा रोड में ही रहती है। उसका मोबाइल नंबर मेरे पास है लेकिन एक अरसे से वो गायब है। मिली भगत होगी, ये भी शालिनी के गैंग में होगी। गायत्री जी उसका मोबाइल नंबर दीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। 4-4-4। ये शालिनी ठाकुर कांदीवली के बस स्टॉप पे मिली थी तुमसे? जी सर। उसने खुद आवाज देकर तुम्हें बुलाया था? जी। काम की तलाश है तुम्हें? और उसने अपना मोबाइल नंबर भी तुम्हें नहीं दिया? नहीं साहब, तभी शक होना चाहिए था, लेकिन उसने इतना बड़ा पगार बोला कि हम दंग रह गए और कुछ सोचा ही नहीं। फिर गाड़ी याद है, नंबर, मॉडल? सफेद रंग की गाड़ी थी साहब, इतना तो पक्का याद है। गाड़ी वो खुद चला रही थी? नहीं साहब, तीन बार मिली थी, तीनों बार ड्राइवर ही था। मैं हर रोज उस बस स्टॉप पे जाती रही इस उम्मीद से कि वो मुझे वहाँ दिख जाए, पर उस दिन के बाद वो मुझे वहाँ मिली ही नहीं। सर, फरीदा का फोन स्विच ऑफ है, प्रीपेड नंबर है। मंझे हुए खिलाड़ी लगते हैं। हाँ साहब, मैंने देखा था ना उस मोना बहन और उस आदमी को, बहुत ही खतरनाक लोग हैं साहब। नाज़नीन, अहमदाबाद के पास के जिस गाँव में तुम थी, कुछ आसपास तुमने ऐसा देखा? नहीं साहब, मैं वहाँ पे मानो जेल में जैसे थी। पहली बार तब बाहर गई जब मैं भाग गई। जब तुम्हें उस गांव में लाया गया और तुम वहाँ से भागी, तो कुछ तो आसपास ऐसा तुमने देखा होगा जो तुम्हें याद हो, जो हमें तुम बता सको। जितना ज़्यादा तुम हमें बता पाओगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी हमें रश्मि और हिना को ढूंढने में। साहब कुछ याद नहीं है, मैं इतनी घबराई हुई थी कि दिमाग में कुछ बैठा ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। देखो, फिलहाल हमारे पास कोई ठोस सुराग नहीं है जिसके आधार पर हम तुरंत कार्रवाई कर सकें। जब से वो यहाँ से गई है मैंने उसे देखा तक नहीं और ना ही फोन पर बात हुई। नाज़नीन ने इतना कुछ सहा है तो सोचिए उन दोनों पर क्या बीत रही होगी। मैं वादा करता हूं तुम दोनों से कि तुम दोनों की बेटियों को हम सही सलामत वापस लाएंगे। खूब खूब धन्यवाद सर। आधा घंटे का टाइम दो, ये ऋषिगंज केटरर्स को ट्रेस करता हूं। राठौड़, एक और टिप है। जिस गांव में नाज़नीन, हिना और रश्मि को रखा गया था वो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है। मोना जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो 1.5 घंटे के ट्रैवल टाइम के रेडियस पर जितने भी गांव हैं उनको भी रडार पर डाल देता हूँ। और हाँ, उस गांव में औरतों की काफ़ी कमी है, औरतों और मर्दों का रेशियो काफ़ी गड़बड़ है, इसलिए लड़कियों की ट्रैफिकिंग वहाँ पे हो रही थी। दरअसल असली टिप तो ये है। सर, ऋषिगंज केटर्स एक बोगस कंपनी है, अहमदाबाद के नवरंगपुरा में ऐसी कंपनी है ही नहीं। मुखोटा है ट्रैफिकर्स का, जिसकी आड़ में छिपकर ये लड़कियों को उस गांव में दाखिल कर रहे हैं जबरदस्ती। सर, ये है अहमदाबाद,
और पूरे सर्कल में डेढ़ घंटे की दूरी पर तकरीबन 25 से 30 गांव हैं। इतने सारे गांवों में रेड करना हीना और रश्मि की तलाश में पॉसिबल नहीं है। इन दोनों लड़कियों को इन गांवों में से ही किसी एक गांव में बेचा गया होगा, और नाज़नीन को भी। और ये भी हो सकता है कि ये दोनों लड़कियां एक ही गांव में ना हो। सर, हमने खबरी नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया है, अहमदाबाद पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। सर, खबरी ऐसे गाँव को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे औरतों की आबादी कम हो। पता तो सबको होगा मोरे, लेकिन देख के अनदेखा कर दिया होगा, वरना खड़े हो जाएंगे परंपरा के माफिया। सर, मुंबई से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक लीड है हमारे पास, फरीदा, इसने शालिनी को रश्मि और हिना के पास भेजा था, या फिर सीधा किंगपिन शालिनी। लेकिन फरीदा का कोई अता पता नहीं, और शालिनी की भी अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सर, मुफ्ती में मेल फीमेल कॉन्स्टेबल्स उस बस स्टॉप के पास लगा दिए। चांस बहुत कम है मोरे, क्योंकि वो फिर से उसी इलाके में शिकार नहीं करेगी। वो अब तक समझ गई होगी कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। फिर तो हमारे पास एक ही लीड बचती है, वो व्हाइट कार। पर हमें तो ब्रांड भी नहीं पता, मुंबई में पता नहीं कितनी व्हाइट कार्स होंगी। पर ड्राइवर तो एक ही है। कांदीवली, बोरीवली, दहीसर, ईस्ट वेस्ट दोनों और मीरा रोड, इन इलाकों से उन्होंने तीन लड़कियों को शिकार बनाया जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन ऐसी और भी बहुत सी लड़कियां होंगी जिन्हें हम नहीं जानते। सर, हो सकता है ये शालिनी ठाकुर इसी जोन में रहती हो। बिल्कुल हो सकता है। नाज़नीन ने 3 बार और तबस्सुम ने 4 बार शालिनी को देखा है, मतलब ये दोनों हमारे स्केच आर्टिस्ट को उसका हुलिया बता सकती हैं। मैं इन दोनों को बुलवा के स्केच बनवाता हूँ, और ये स्केच अपने सारे खबरियों को दे दो, और उनसे कहो कि हम शालिनी के साथ साथ उसके ड्राइवर को भी ढूंढ रहे हैं। और सर, ये है नरेश, इसी ने नाज़नीन को मोना से खरीद के उसके साथ कई बारी बलात्कार किया। नरेश, अरविंद और मोना, ये तीनों स्केचेस अहमदाबाद पुलिस को भेज दो, और ये शालिनी वाला तुरंत अपने लोकल खबरियों में सर्कुलेट करो। हो सकता है शालिनी नाम ही झूठ हो, लेकिन कोई नहीं, बहुत जल्द हम इस सच्चाई का पता लगा लेंगे। 35 से 40 की उम्र होगी, सफेद गाड़ी में आती है, ड्राइवर चलाता है। क्या किया है मैडम ने साहब? लड़कियों को अगवा कराती है, जबरदस्ती उनकी शादियां कराती है। एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे मालिक। सफेद गाड़ी है, ड्राइवर भी है साथ में। हम दिन रात इस केस पे लगे हुए, अहमदाबाद पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है। जवान बच्चियां हैं, हर दिन मायने रखता है। हम समझते हैं यास्मीन जी, और यकीन मानिए जब तक हिना और रश्मि आप लोगों को लौटाई नहीं जाती, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, उन्हें ढूंढ कर ही निकालेंगे। फरीदा बहुत दिन से गायब है, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, आखिर बात क्या है? उसने क्या कोई कांड किया है क्या? दादा, फरीदा का पति आता है क्या इधर? आता है कभी कभी। कहाँ रहता है? पता नहीं। वो काम क्या करता है? पता नहीं, कभी पूछा नहीं मैं। सब ये सारे फोटो और स्केचेस तकरीबन 25 से 30 गांव के पुलिस स्टेशनों में भेज दिए हैं सर। अगर लगता है कि नेटवर्क और स्टेशन तक भी बढ़ाना है तो वहां भी भेज दो फोटो। पटेल, हमें इन दोनों लड़कियों को ढूंढ निकालना है, टॉप प्रायोरिटी केस। सर, आरफिक, कुछ हाथ लगा? एक ड्राइवर मिला, उस लेडीज का मैंने फोटो दिखाया ना, तो हट गई उसकी। ये जो औरत है ना, ये औरत नहीं, एक नंबरी कमीनी नागिन है। नागिन तुझे कैसे मालूम? गाड़ी चलाता था इसकी मैं। इसके पास कोई सफ़ेद कलर की गाड़ी भी है ना? सफ़ेद तो सिर्फ गाड़ी है इसकी, और दिल डांबर से भी ज़्यादा काला। कहाँ रहती है ये, और इसका नाम? इसका नाम शालिनी ठाकुर है, अपने पति विकास ठाकुर के साथ रहती है। एक काम कर, तू गोपाल वर्मा का नंबर फॉरवर्ड कर मुझे,
वो महीने का 20,000 बोली, तो फिर आगे मैंने कुछ पूछा ही नहीं साहब, जो बोली हाँ बोला। कितने दिन थे उसके साथ? 3 महीने साहब। ऊपर से रोज 1 क्वार्टर विलायती, कहाँ अपनी 11,000 की नौकरी और कहाँ 20 और विलायती। मैंने कभी कोई सवाल ही नहीं किया साहब। और फिर एक दिन गोपाल जी, मैडम 20,000 में खुश हो? बहुत ज़्यादा मैडम जी। और मिल सकते हैं इससे भी कहीं ज़्यादा? मैं समझा नहीं मैडम। सिर्फ ड्राइवरी से नहीं मिलेंगे, लेकिन और क्या करना होगा? कहाँ रहते हो? दुग्गलवाड़ी में मैडम। दुग्गलवाड़ी झोपड़पट्टी है? चौल है मैडम। जवान लड़कियां तो बहुत होंगी वहां पर। अरे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम्हें बस जरूरतमंद लड़कियों को मेरे पास लाना है जिन्हें काम की तलाश हो। हर लड़की के 5,000 दूंगी। और ये काम जो उन्हें दिलवाएंगी वो कैसा काम होगा मैडम? मैंने तुमसे कभी पूछा? तुम गियर कब बदलते हो, ब्रेक अभी क्यों दबाया, क्लच क्यों नहीं दबाया, स्पीड कितनी है, राइट ले हो या लेफ्ट, पूछा कभी? तुम बस लड़कियां लेकर आओ, इतना ही काम है तुम्हारा। मुझे पागल समझ रही थी साहब, धंधे पे लगाने के लिए लड़कियां फांस रही थी। साहब मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं कि इंसानियत भूल जाऊं। 2 लड़कियां हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। शालिनी ठाकुर ने उन्हें अहमदाबाद में बेचा। रतिका है या शालिनी ठाकुर? विकास ठाकुर? हाँ जी। शालिनी ठाकुर कहाँ है? क्या बात है सर? क्या बात है सर? सर एक मिनट रुकिए सर। सर कहाँ घुसे जा रहे हैं सर? मेरी बात सुनिए सर। सर एक मिनट रुकिए सर। क्या बदतमीजी है ये? शालिनी जी मैं संजय राउत, एक लड़की चाहिए, औरत भी चलेगी। क्या? हाँ वो क्या है कि केटरिंग कंपनी शुरू करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँ? आप लोग चले जाइए यहाँ से। जाना तो है ही शालिनी जी, वैसे भी ना मुझे यहाँ की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन आपको साथ लेकर। उठाओ ये सब। अरे अरे लेकिन ना 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 ना। शालिनी जी आप चिंता मत कीजिए, आपका जो बाकी का अकाउंट का काम है वो हम पूरा कर लेंगे। हाँ शालिनी जी, एक केटरिंग कंपनी के लिए ऋषिगण केटर्स ये नाम कैसा रहेगा? ये क्या बदतमीजी है? मुझे मेरे वकील को फोन करना है। आप लोग हमारे साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते, हमारे भी हक हैं। अरे हाँ हाँ आपके भी तो हक हैं, दरअसल ना आप ही के हक हैं, क्योंकि बाकी सब लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, खास करके जवान लड़कियां, वो तो बेचने और खरीदने की चीजें हैं और आप लोग ठहरे उनके दलाल। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर, मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगी। एक तो पाप करो, पाप भी नहीं महापाप, और ऊपर से हमारे ही थाने में आके हम ही को धमकाओ। चंदा जरा मैडम को हमारी कैटरिंग कंपनी का सैंपल तो दो। अरे अरे और याद रहे मैडम को हर एक डिश चखाना, हर एक। यस सर। छोड़िए, अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। ये मोना है और ये अरविंद, दोनों का एड्रेस बोल। कोपीपुर में ही रहते हैं। मोरे अहमदाबाद पुलिस को बोलो कि कोपीपुर गांव का सील करें और रश्मि और हिना को तुरंत मुंबई भेजा जाए। सर हाँ तो शालिनी जी कैसी लगी आपको हमारी धुलाई? वैसे आपको बता दूं ये चंदन है ना अभी आपको सिर्फ धोया है, निचोड़ना अभी बाकी, तो सच आप अभी बताएंगे या फिर निचोड़ना के बाद? तुम्हारे गैंग में कितने लोग हैं? मेरे पति विकास, मैं और अरविंद मोना। चारों में बॉस कौन है? संतोष भाई मेहता। कौन है संतोष मेहता? वडोदरा में रहते हैं, मैरिज ब्यूरो चलाते। अरविंद और मोना का नंबर लिख के दो और संतोष मेहता का एड्रेस और नंबर दोनों लिख के दो अभी।
अभी तुम्हारी एक भी उंगली टूटी नहीं है, जब सब उंगलियां टूट जाएंगी ना तब भी लिख के देना पड़ेगा। बेहतर है अभी लिख दो, लिखो। हे, पुलिस आ गई, भाग भाग कर दिया। संतोष मेहता जी, मैं ही संतोष मेहता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यार, काफी मदद की तुमने लोगों की, अब वक्त है कि तेरी मदद की जाए। शादी करवानी है तेरी, तो उसके लिए तो बेचना पड़ेगा ना तुझे। चल साहब। अरे रुको रुको रुको, ये लोकेश ढोलकिया का घर जिसने हीना को खरीदा था। तुम हिना खान हो? हाँ। मुंबई की यास्मीन खान की बेटी। हाँ। डरो मत बेटा, हम लोग अहमदाबाद पुलिस से हैं, तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने आए। हिना बेटा डरो मत, हम सच में पुलिस वाले हैं और तुम्हारी मदद करने आए हैं, आओ। 24 घंटे घर पर निगरानी रखो, लोकेश जैसे ही आए उसे धर लो। ये हरीशवल जी का घर है साहब, जिसने रश्मि को खरीदा था। अब चलते हैं उस नरेश के घर जिसने नाजनीन को खरीदा था। अरे हद हो गई साहब, एक तो लड़की धोखेबाज निकली, घर छोड़कर भाग गई, अपने उस सवाल का फटका बैठा ना। असली फटका क्या होता है ये मैं तुझे दिखाऊंगा थाने में। उस बहादुर लड़की ने हमें तुझ तक पहुंचाया है और हम तुझे कहां पहुंचाने वाले हैं तुझे अंदाजा भी नहीं है। लेकर जाओ इसे। अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया भाई। सब लोग मिल गए, जाने दो ना। सब लोग मिल गए? हाँ, लोकेश को फोन लगा। फोन नंबर नो संपर्क साथा मार को छो पे मोबाइल स्विच ऑफ छे। बंद आ रहा है साहब। इन्फॉर्म किया उसे जल्दी। लगा रहा हूँ साहब। द नंबर यू हैव कॉल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। साहब इसका भी बंद आ रहा है। उसको भी बताया ना तूने? उसको भी बताया ना? मैं किसी को नहीं बताया। अपनी मोना डार्लिंग को फोन लगा और अगर बंद आया ना तो देखना। लगा 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 रहा हूँ। बोल अरविंद। मोना क्या चे तू? बाहर हूँ। अरे वो नया माल आया ना उसके लिए गिरा का है। तीनों पीस दिखा दे, उन्हीं को चॉइस कर ले। मेरे आने तक सौदा मत करना। कब तक पहुँचेगी तू? अरे रास्ते पर हूँ। लेकिन अभी कहाँ पहुँची? शूट है उतने। बोला ना रास्ते पर हूँ, इतना उतावला क्यों हो रहे तू? अरे कितना टाइम लगेगा तेरे को? आधा घंटा। कैसे आ रही है? एक प्राइवेट गाड़ी में आ रही हूँ। अब गाड़ी का नंबर भी बताओ, कौन से कलर की साड़ी पहनी वो भी बताओ। रास्ते में साहब, आधे घंटे में पहुंचेगी। एक टीम इन लोगों को लेकर जाएगी और दूसरी टीम मेरे साथ कोठी में रहेगी। मोना बहन की वेलकम पार्टी।
हेलो, अच्छी खबर है, हमारी दोनों बेटियां मिल गई हैं। अरे देवा, कहाँ हैं दोनों? उन्हें अहमदाबाद से रवाना कर दिया है। मिलते हैं। हीना और रश्मि मिल गई। क्या? अम्मी, आपने सुना? हीना और रश्मि मिल गए। दोनों मिल गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सर, हिना और रश्मि को छुड़वाया जा चुका है और उन्हें मुंबई के लिए रवाना भी कर दिया गया। गुड। लेकिन वो ना हाथ नहीं लगी। हाँ, पर उसका साथी अरविंद और उनका असिस्टेंट दिनेश दोनों पकड़े जा चुके हैं। उन दोनों लड़कियों को खरीदने वाले वो दरिंदे, वो हाथ आए? सर, नाजनीन को खरीदने वाला नरेश पांचाल पकड़ा गया, लेकिन हिना को खरीदने वाला लोकेश और रश्मि को खरीदने वाला हरीश वेलजी इस वक्त फरार है। हाँ, पर कार्टेल का हेड संतोष मेहता वो पकड़ा गया। और सर, अहमदाबाद पुलिस ने तीन और लड़कियों को छुड़वाया जिन्हें वहाँ बेचने के लिए लेकर आया गया था। मोना, हरीश और लोकेश, इन तीनों के नाम रेड अलर्ट जारी कर दो। सर, मूव। तो इस तरह का मैरिज ब्यूरो चलाते हो तुम लोग? शुरू में सब नॉर्मल था, बाकी मैरिज ब्यूरो कैसे चलाते वैसे ही, लेकिन कुछ खास बिजनेस नहीं था तो ये बिजनेस शुरू कर दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सर, सारा प्लान तो संतोष भाई का था, उन्हें ही मालूम था कि गोपीपुर गांव में लड़कियों की कमी है और वहाँ के मर्द तो लड़कियाँ खरीदने के लिए भी तैयार थे। क्या खाते हो तुम लोग? क्या पीते हो? किस चमड़ी के बने हुए हो तुम लोग जो मासूम मेहनती लड़कियों को, बच्चियों को बेचकर अपनी दाल रोटी बोटी कमाते हैं? हमने क्या गलत किया है सर? उन लड़कियों को कोई कोठे पे ले जाकर थोड़ी ना बेचा है, बकायदा शादी करवाई है उन लड़कियों की, उन्हें अच्छा घर दिया है, यहाँ पर रहती तो किसी शराबी से शादी हो जाती, पूरी जिंदगी गरीबी में कटती उनकी। बड़ी सोशल सर्विस कर रही हो। एक बात बताओ, तुम अपनी खुद की बेटी को भी इसी तरह से बेचते हो? ये कैसा सवाल हुआ सर? सवाल है क्योंकि तुम्हारे लिए हर सवाल का जवाब है पैसा, सिर्फ पैसा। किद्ध हो तुम लोग, किद्ध। और पता है तुम लोग ऐसा क्यों कर पाते हो? क्योंकि तुम लोग जिंदा हो ही नहीं, तुम्हारे अंदर का इंसान, जमीर, सब कुछ मर चुका है। अरविंद, मोना, लोकेश और हरीश वेलजी अगर नहीं मिले ना तो तेरा सोना हराम कर देंगे साले। जो भी ड्यूटी पर आएगा ना, सब तुझे बारी बारी से कूटेंगे, पंचिंग बैग की तरह। कहाँ है तीनों? पता नहीं साहब, अभी तो फोन किया था तीनों को आपके सामने। पटेल, पुलिस एकेडमी से नया नया आया ना? जी सर। दिखा क्या क्या सिखाया है तुझे। शालिनी ठाकुर, मोना मुझे लॉकअप में चाहिए और जब तक वो लॉकअप में नहीं आ जाती है, ये चंदा तुम्हें रूम सर्विस देती रहेगी। चंदा VIP है, अच्छे से सर्विस देना। देखो, हमने पूरे गैंग को धर लिया है, बस मोना अभी तक हमारी गिरफ्त से बाहर है। लोकेश और हरीश, जिन्होंने इन दोनों को खरीदा था, वो भी अभी तक हमारी पकड़ में नहीं आए। लेकिन साहब, वो मोना ही है जिसने मुझे और इन दोनों को बेचा था। उसने तुम लोगों को बेचा होगा, लेकिन तुमने खुद अपने आप को बचाया और इन्हें भी। तुम हिम्मत करके हमारे पास आई, तभी यह मुमकिन हुआ कि हम इन्हें बचा पाए। गलती तो कुछ हद तक हमारी भी थी, इतनी बड़ी तनख्वाह देखकर हम दोनों ही पागल हो गए थे। पर सोचिए साहब, नाजनीन वहां से भागती नहीं तो इन दोनों बच्चियों का क्या होता?
वो शालिनी के पॉइंटर फरीदा, उसे पकड़ लिया गया। गुड। बस एक बार वो औरत मुझे मिल जाए तो मैं उसे काट डालूंगी। वो बेगुनाह है यास्मीन, जिस तरह तबस्सुम शालिनी से टकरा गई थी उसी तरह ये भी टकरा गई। सर, मैंने शालिनी और विकास से कन्फर्म किया, फरीदा का इस सारे रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। और तुम लोग आगे से ध्यान रखना कि कोई दोबारा इस तरह के झांसे में तुम्हें फंसा ना पाए। जब भी कोई मोटी तनख्वाह का लालच दे तो उसे स्वीकार करने से कम 10 बार सोचना। जी साहब, अब तो छाछ भी फूक फूक कर पियेंगे। लेकिन साहब, जब मैं नरेश के घर पे थी एक बात बहुत ही खटक रही थी, अभी भी खटक रही है। कौन सी बात नाजनीन? हम गरीब हैं, अनपढ़ हैं, इसलिए इस झांसे में फंस गए। लेकिन वहाँ पे तो एक पूरा गांव है जहाँ पे हम जैसी लड़कियों को खरीदा जाता है, बंदी बना के रखा जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ की जो पुलिस है, बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, वो लोग क्या कुछ नहीं जानते? साहब, दो चार घर नहीं, पूरा गांव है वहाँ पे। हम गरीब लड़के हैं साहब, हम चार दीवारों में कैद हैं, हमारे साथ तो जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। और दुनिया ऐसी ही चलती है जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। ये घिनौना धंधा अभी तक चलता है साहब। ऐसा क्यों है साहब? क्या आपको पता है? आप बता सकते हैं? शालिनी और विकास ठाकुर, इस गिरोह का हेड संतोष मेहता, उनके साथीदार अरविंद और दिनेश, और लड़कियों का एक खरीददार नरेश जिसकी गिरफ्त से नाजनीन फरार हुई थी, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, धारा 370 के तहत इंसानों को गुलाम बनाकर उनका सौदा करने के लिए, धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए, धारा 342 के तहत गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने के लिए, और धारा 366 के तहत अपहरण के चार्जेस लगाए गए हैं। इस गैंग की अहम मेंबर मोना अभी तक पकड़ी नहीं गई है, और हिना और रश्मि को खरीदने वाले लोकेश ढुलकिया और हरीश वेलजी भी अभी तक ट्रेस नहीं हुए हैं। इन तीनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आरोपी शालिनी ठाकुर को अपने किए पर रत्ती भर का भी पछतावा नहीं है। इस ब्राइड ट्रैफिकिंग में फंसाई गई सभी लड़कियां अपने अपने घर लौट गई हैं। इसमें फंसी लड़कियां गरीब घरों से आती हैं, और मजबूरी और लाचारी के बोझ तले उन पर हुए अत्याचार का दर्द अब दब गया है। एक बुरा सपना समझकर वो रोजमर्रा की जिंदगी से जूझने की कोशिश कर रही हैं। ये कोई इकलौता गांव नहीं था जहां दुल्हनों का सौदा होता है। देश के कई राज्यों में मेल फीमेल सेक्स रेशो दिन ब दिन असंतुलित होता जा रहा है, और ऐसे राज्यों में लड़कियों को खरीदने की कुप्रथा काफी खुलेआम होती है। और इस प्रथा के बीच एक सच्चाई है, एक भयंकर सच्चाई है, भ्रूण हत्या। ये कैसे हो सकता है कि एक गांव की पंचायत, वहां का नगर सेवक, एमएलए, एमपी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस इतने बड़े जुर्म से अनजान है? क्या ऐसे घिनौने कारोबार को रोकना सरकार और प्रशासन का फर्ज नहीं है? इस केस में एक मोटी तनख्वाह का प्रलोभन दिया गया, और इस प्रलोभन से मोहित होकर सभी गरीब परिवारों ने बिना सोचे समझे, बिना मौके को टटोले, अपनी बच्चियों को सीधे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एजेंट्स के हाथों में सौंप दिया। लेकिन एक साधारण नागरिक था जो इस प्रलोभन के जाल में नहीं फंसा, और वो था शालिनी का ड्राइवर गोपाल। उसने अपने जमीर की आवाज सुनी, अपनी गरिमा का ख्याल किया, और उसी वजह से ये केस क्रैक हुआ। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में अगले शुक्रवार को। याद रखें, कल यानी कि रविवार 28 जून को क्राइम पेट्रोल का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, ऐश की जिंदगी और बोले गए झूठ दोनों काफी कीमती साबित होते हैं, पर सादगी और सच हमें सही मायने में अमीर बनाते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।